हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। आज हम बात करने जा रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम के पार्ट टू के बारे में। इससे पहले मैं फर्स्ट पार्ट में इसका रिमाइंडर थ्योरम की डेफिनेशन बता चुकी हूँ और मैंने डिवीजन एल्गोरिदम समझाया था। अगर आपने वो पार्ट वॉच नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उसको जाकर ज़रूर देखें, क्योंकि आज की वीडियो का जो बेसिक है वो वही वीडियो है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसको कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाले वीडियोस की जो नोटिफिकेशंस हैं वो आप तक पहुंचती रहे। और आज की वीडियो में मैं काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रही हूं, तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको लास्ट तक ज़रूर देखें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो आइए आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें यहाँ पर दो पॉलिनोमियल्स गिवन हैं, ठीक है। लीव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस टू, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक्स प्लस टू को क्या पुट करेंगे, ज़ीरो पुट करके देखेंगे। एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, माइनस टू। अब हमारे पास दो पॉलिनोमियल है, मैं उसको रीनेम कर रही हूँ, ठीक है। सपोज़ कर लीजिए पहला जो पॉलिनोमियल है उसका नाम पी एक्स है, थ्री एक्स क्यूब माइनस फाइव एक्स स्क्वेयर प्लस के एक्स माइनस टू, ठीक है। ये मेरे पास पहला पॉलिनोमियल है। अब मैं क्या करूँगी, इसमें माइनस टू पुट करूँगी, ठीक है। माइनस टू पुट करने से क्या होगा, हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। एक्स की जगह पे मैंने माइनस टू पुट कर दिया, के इंटू माइनस टू माइनस टू, ठीक है। सिर्फ एक्स की जगह पर माइनस टू पुट करा है। अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। माइनस टू का क्यूब दैट इज माइनस एट, माइनस टू का स्क्वायर फोर, ठीक है। माइनस टू के माइनस टू, थोड़ा सा और करते हैं सॉर्ट आउट। माइनस ट्वेंटी फोर, माइनस ट्वेंटी, माइनस टू के माइनस टू, ठीक है। यहाँ से कितना आ जाएगा टोटल, माइनस ट्वेंटी फोर माइनस ट्वेंटी दैट इज माइनस फोर्टी फोर, माइनस फोर्टी फोर और माइनस टू माइनस फोर्टी सिक्स, यहाँ से पहले की वैल्यू ये आ गई हमारे पास। अब मेरे पास दूसरा पॉलिनोमियल है, मैं उसका नाम क्यू एक्स रख रही हूँ, ठीक है। क्यू एक्स जो पॉलिनोमियल है वो क्या है, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस के। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, एक्स की जगह पर माइनस टू पुट करेंगे। ये माइनस इसके साथ नहीं है तो इसको एक एक्स्ट्रा माइनस बाहर ले लेंगे। माइनस टू का होल स्क्वायर सेवन इंटू माइनस टू प्लस के, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस माइनस एट, माइनस टू का स्क्वायर होता है फोर, माइनस फोर्टीन प्लस के। थोड़ा सा और सॉर्ट आउट करेंगे, प्लस एट बन जाएगा, एट में से फोर गए फोर, फोर माइनस फोर्टीन माइनस टेन प्लस के। तो यानी कि q और माइनस टू पुट करने से हमारे पास ये वैल्यू आ रही है और p माइनस टू पुट करने पे ये वैल्यू आ रही है। ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन और ये हमारी बन गई सेकेंड इक्वेशन। अब उसने क्या कहा था, दोनों क्या कर रहे हैं, सेम रिमाइंडर लीव कर रहे हैं। दैट मीन्स हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। माइनस फोर्टी सिक्स माइनस टू के इज इक्वल्स टू माइनस टेन प्लस के। अब माइनस फोर्टी सिक्स, टेन को मैं इधर ले आई और 2k को मैं उधर लेके जा रही हूँ। यहाँ से क्या आएगा, 36 और k की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, माइनस 12। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो निकालना है। तो आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में हमारे पास सिंगल पॉलिनोमियल है बट वैल्यूज़ दो दे रखी हैं, यानी कि x प्लस टू और x प्लस वन। तो हम दोनों का वैल्यूज़ पहले निकालेंगे। तो x की दोनों वैल्यूज़ क्या आएंगी, x प्लस टू को जब हम ज़ीरो पुट कर रहे हैं तो पहली बार x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस टू, और दूसरी बार x प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो दैट इज़ x इज इक्वल्स टू माइनस वन। ये दो वैल्यूज़ हैं हमारे पास x की। अब बारी बारी से हम पुट करेंगे क्योंकि दोनों का रिमाइंडर सेम है, तभी हम उनको इक्वेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं p में माइनस टू पुट करने जा रही हूँ इस पॉलिनोमियल में। तो मेरे पास क्या आएगा, माइनस टू का क्यूब प्लस एट इंटू माइनस टू का स्क्वायर 17 इंटू माइनस टू प्लस ए इंटू माइनस टू, पुट कर दिया। सिंपल इसको सॉर्ट आउट करेंगे, माइनस एट प्लस एट इंटू माइनस टू का स्क्वायर यानी एट इंटू फोर दैट इज 32 माइनस 34 माइनस टू ए, ठीक है। इसको सॉर्ट आउट करेंगे, 32 में से 34 निकालें, माइनस टू, माइनस टू और माइनस एट दैट इज माइनस टेन। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ठीक है। इस तरह से आपने फर्स्ट सॉल्व करी।
फिर क्या करेंगे, अब माइनस वन पुट करके देखते हैं इस पॉलिनॉमियल में. माइनस वन का होल क्यूब प्लस एट इंटू माइनस वन का स्क्वायर, सेवनटीन इंटू माइनस वन ए इंटू माइनस वन. कुछ भी ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं करना है आपने, सिर्फ एक्स की जगह पर वो वैल्यूज़ डालते जाना है आपने. इसको सॉर्ट आउट करिए, ठीक है. माइनस वन प्लस एट इंटू माइनस वन का स्क्वायर एट हो गया, माइनस सेवनटीन माइनस ए. इसको सॉल्व करिए, एट में से वन निकाले सेवन, प्लस का सेवन माइनस सेवनटीन, दैट इज माइनस टेन माइनस ए. ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई, ठीक है. अब दोनों का रिमाइंडर सेम है, बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ़ रिमाइंडर इज सेम. तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करेंगे. सबसे पहली इक्वेशन है माइनस टेन माइनस टू ए, और दूसरी इक्वेशन है माइनस टेन माइनस ए. टेन और टेन कैंसिल हो गए, दोनों सेम वैल्यूज़ के थे, तो हमारे पास माइनस टू ए प्लस ए इज इक्वल टू ज़ीरो, माइनस ए इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, ज़ीरो. तो इस तरह से चाहे आपको कितने ज़्यादा पॉलिनॉमियल्स दें हो, कितनी ज़्यादा वैल्यूज़ दे रखी हूँ, जस्ट आपने वैल्यूज़ को पुट करते जाना है और इक्वेशंस बनाते जाना है, और जिस तरह से इक्वेशन को दिया गया हो उस तरह से उसको सॉल्व करना है. तो आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जहाँ पर हमें रिमाइंडर गिवन हो. अब इस क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ पी इफ़ द पॉलिनॉमियल गिवन है व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन. तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स प्लस वन को ज़ीरो पुट कर रहे हैं, और एक्स की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, माइनस वन. अब ये जब वैल्यू हम इस पॉलिनॉमियल में पुट कर रहे हैं, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, नाइनटीन. तो हम पहले पॉलिनॉमियल की वैल्यू पुट डाउन करते हैं, पी एक्स. तो x की जगह पर मैं क्या पुट करने जा रही हूँ, माइनस वन पुट करने जा रही हूँ. माइनस वन की पावर फोर, माइनस टू इंटू माइनस वन की पावर थ्री, थ्री इंटू माइनस वन का स्क्वायर, माइनस पी इंटू माइनस वन, प्लस थ्री पी माइनस सेवन, ठीक है. अब रिमाइंडर कहाँ लिखेंगे, वो इस साइड लिखेंगे, नाइनटीन, ठीक है. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. इसको सॉल्व करने से क्या होगा, माइनस वन की पावर फोर इवन पावर है तो वन हो जाएगा, माइनस टू यहाँ पर माइनस वन ही रहेगा ऑड पावर है, प्लस थ्री इंटू वन, माइनस वन का स्क्वायर, माइनस वन का स्क्वायर क्या हो गया, वन, प्लस पी, प्लस थ्री पी माइनस सेवन, ठीक है. अब यहाँ से इसको थोड़ा सा और सॉर्ट आउट करते हैं, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस पी प्लस थ्री पी फोर पी माइनस सेवन, ठीक है. यहाँ से क्या बन गया, वन प्लस टू थ्री, थ्री प्लस थ्री सिक्स, सिक्स माइनस सेवन दैट इज माइनस वन प्लस फोर पी. ये वन इधर आ जाएगा तो बन गया ट्वेंटी डिवाइडेड बाय फोर, तो पी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, फाइव, ठीक है. तो अब पी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है. अब उसने एक क्वेश्चन इसके साथ और पूछा है, ऑल्सो फाइंड द रिमाइंडर. अब हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना है व्हेन पी एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स प्लस टू. अब हमें किसके साथ करना है, एक्स प्लस टू के साथ. एक्स प्लस टू को ज़ीरो पुट करिए, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस टू. अब जब हम इसमें माइनस टू पुट करेंगे, तब निकालना है हमें कि रिमाइंडर कितना आता है. पहले हमें रिमाइंडर गिवन था और हमें वैल्यू निकालनी थी पी की. दो क्वेश्चन अलग अलग है पर जोड़े हुए हैं, इसीलिए आपको स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट पढ़कर इनका आंसर करना है. अब मैं क्या करूँगी, पी की जगह पर यहाँ पर एक्स की जगह पर माइनस टू पुट करूँगी, और पी की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है फाइव. माइनस टू की पावर फोर दैट इज सिक्सटीन, माइनस टू, माइनस टू की पावर थ्री दैट इज कितना बन गया, माइनस एट, प्लस थ्री इंटू फोर, माइनस टू का स्क्वायर फोर होता है, प्लस टू पी, प्लस थ्री पी माइनस सेवन, ठीक है. अब यहाँ से सिक्सटीन प्लस सिक्सटीन प्लस ट्वेल्व, यहाँ से क्या बन गया, फाइव पी माइनस सेवन. सिक्सटीन प्लस सिक्सटीन थर्टी टू, थर्टी टू प्लस ट्वेल्व प्लस फाइव इंटू पी की वैल्यू मेरे पास क्या आई हुई थी, फाइव माइनस सेवन. थर्टी टू प्लस फोर ट्वेल्व फोर्टी फोर, प्लस ट्वेंटी फाइव माइनस सेवन दैट इज आपके पास यहाँ पर बढ़ गया सिक्सटी नाइन माइनस सेवन, तो आंसर इज सिक्सटी टू.
तो जब आप उसको x प्लस टू के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा, 62। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। आपको क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़कर उसको स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट चलकर फिर क्वेश्चन का आंसर निकालना होता है। तो आइए आप देखते हैं नेक्स्ट वैरायटी, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एक्स की पावर 4 प्लस 1। ये आपको पॉलिनोमियल गिवन है, ये आपका पॉलिनोमियल है। सो दैट जो एक्स पावर 4 प्लस 1 है इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय एक्स माइनस 1। जस्ट एक स्टेटमेंट का पैटर्न चेंज करा है, हमें करना वही चीज़ है। सिंपल, इसको पहले नाम दे दीजिए, ये हमारा कोई पॉलिनोमियल है पी एक्स, दैट इज एक्स की पावर 4 प्लस 1। ठीक है, अब x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 पुट करिए तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 1। सेम एज प्रीवियस क्वेश्चंस, यहाँ पर 1 पुट करिए, 1 की पावर 4 प्लस 1, 1 की पावर कुछ भी हो तो उसका आंसर क्या आएगा, 1। 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2। आपका आंसर क्या आ गया कि 2 आपको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है ताकि वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए x माइनस 1 से। आप देख सकते हैं सिर्फ क्वेश्चन का पैटर्न चेंज है, क्वेश्चन में करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको लास्ट एक लाइन लिखनी है, दैट इज़ 2 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड सो दैट ये जो पॉलिनोमियल हमें गिवन है दैट इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x माइनस 1। इसकी जगह पर कोई और पॉलिनोमियल भी हो सकता है और कोई और वैल्यू भी हो सकती है, तो उसको आप और वैल्यूज़ के साथ प्रैक्टिस करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, आज हमने रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स के ऊपर क्वेश्चंस करवाऊंगी। तो कोई भी वीडियो ना मिस करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहें। और एक और बात, आप इनको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ और डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस ज़रूर करें, और कोई डाउट आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर बता सकते हैं। हैव ए नाइस डे।